जाओ, सामान बचेगा ही नहीं, तुम आओ। उनका ले रही हो क्या? टांगे खुलेगी ना तो सारे मंत्री बाहर गिरेंगे, टांगे खुलेगी ना तो सारे मंत्री बाहर गिरेंगे, टांगे खुलेगी ना तो सारे मंत्री बाहर गिरेंगे। मैं विवेक जी के बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं तो जिन जिन को जानती हूँ मैं उन्हीं को, मैंने सबका नहीं ठेका लेके रखा हुआ है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के जितने भी आदमी लोग हैं जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है, वो लड़कियों पर केस करें, मानहानि का दावा करें, कोर्ट किस लिए है? जाइए और लड़कियों को बोलिए सबूत लाए प्लीज। मेरे पास तो सबूत है, एक मेल एक फीमेल और एक ही और एक शी है, एक ही और एक शी मेरे पास सबूत है, वो मैं कोर्ट में दूंगी। देखिए मैं आपके पास आने से पहले मैं पुलिस में कंप्लेंट कर चुकी हूँ कि तनुश्री दत्ता ने मुझे धमकियां दिलाई है, गैंग रेप का बात किया है घर में घुस के। मैं तो कहती हूँ आओ, फिर तुम्हारा वो सामान बचेगा ही नहीं, तुम आओ। फिर तुम्हारा वो सामान बचेगा ही नहीं, तुम आओ। तलवार रखी है तुम लोग के लिए रेडी? कभी धमकी दी है आपको? अभी कुछ 10-15 दिन, आप भी तो रिकॉर्ड कर रहे थे उस दिन। अरे भूल गई, 12 साल पहले। कहा नहीं है कि तुम नाना पाटेकर को सपोर्ट करती हो? उनका ले रही हो क्या? उनका ले रही हो क्या? राज ठाकरे को सपोर्ट कर, उनका ले रही हो क्या? उनका ले रही हो क्या? तो तनुश्री तुम्हें दे रही है क्या जो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? है आप वो भी कुछ कह रही थी ना, सुने मैं कि एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया, उस पे भी आप कुछ अपने विचार रख रही थी? कौन सी पॉलिटिकल? नहीं वो कुछ अंतर नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्या जब पॉलिटिक्स में महिलाएं हैं उनके साथ गलत नहीं हुआ है? वो क्यों नहीं आई सामने? वो आप जानती हैं, बताइए ना। वो मैं क्यों बताऊं? मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, एक एक नाम नहीं किसी के लूंगी। टांगे खुलेगी ना तो सारे मंत्री बाहर गिरेंगे, टांगे खुलेगी ना तो सारे मंत्री बाहर गिरेंगे, टांगे खुलेगी ना तो सारे मंत्री बाहर गिरेंगे, समझ रहे हो? मैं क्यों किसी का नाम लूं? क्यों मैं बदनाम हूं? है ना, मैं यहां किसी को बदनाम करने नहीं आई, मैं अपने आप बीते बताने आई हूं मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है। लेकिन राखी तुम्हें गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है? कौन? गवर्नमेंट मोदी जी से क्या कहना चाहते हो? जी बिल्कुल। अब देखियो पवन नाम के कैमरामैन, सहारा का कैमरामैन था, उसने चीख चीख के कहा है, अरे वो तो मैंने तो उसकी तनुषा की गाड़ी तोड़ी थी, अरे वो कैमरा मेरा टूटा है, वो बार बार चीख चीख के कह रहा है। तनुषा के पिता ने पवन को थप्पड़ भी मारा था, तब उसके बाल लंबे हुआ करते थे, अभी बेचारा बूढ़ा हो गया तो दिखाई नहीं दे रहा, यंग में कितना हैंडसम लगता था वो। उसकी भी सुनो, वो कोई एमएनएस का आदमी नहीं था, वो मीडिया का रिपोर्टर था। मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे सच्चाई कि भैया इसमें से एमएनएस का एक भी आदमी नहीं था? आप बताइए नाना पाटेकर और मैं और डेजी शाह और गणेश आचार्य जी, हमारी तनुश्री हमारी लड़ाई के बीच में राज ठाकरे जी कहां से आ गए? उन्होंने ये क्यों नहीं जाके न्यूज चैनल में बोला कि राज ठाकरे जी नाना पाटेकर जी नीचे? ये बोला है? ये बोला है? मेरे पास वीडियो है, ये गिरे हुए हैं, इनको फिल्मों से निकाल दिया जाए। आप कौन है? आप कौन है जज करने वाली? आप कोर्ट ही है, आप हिंदुस्तान का लॉ है, आप कोर्ट है। और वो अपना एंकर कौन? अर्णव गोस्वामी जी के साथ चीख चीख के, लिसन टू दिस व्हाट इज शी सेइंग? तुम्हारे अंग्रेजी में इतना चिल्लाने से हिंदुस्तान आपकी बात को सच मान जाएगा क्या? ये अंग्रेजी में बैठ बैठ के चिल्ला रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रही है, आपके चैनल को टीआरपी दे रही है, तो सच हो जाएगा? नहीं।